ठीक है, देखिए क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, आपको जो है डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे ये कह रहे हैं थ्री कॉइन्स वर टॉस्ट, तीन सिक्के हैं जिनको एक साथ उछाला जाएगा, ठीक है। और ये कह रहे हैं ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फॉलो, यानी कि अब हर बार हेड कितने आएंगे उसको इन्होंने नोट किया है। देखिए तीनों सिक्के अगर फेंकते हैं और तीनों सिक्कों पे हेड नहीं आता, यानी कि जीरो, जीरो का मतलब किसी पे भी हेड नहीं आया। किसी एक सिक्के पे हेड आता है, दो पे टेल आता है तो वन, किसी एक सिक्के पे हेड आता है लेकिन अब यहाँ नंबर ऑफ क्या पूछा है, हेड्स, हाँ, तो किसी दो सिक्के पे हेड आता है, एक पे टेल आता है तो टू आ जाएगा। ऐसे ही किसी तीनों सिक्कों पे हेड है तो थ्री आएगा। तो बस यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स या तो जीरो आएंगे या वन आएगा या टू आएगा या थ्री आएगा, ठीक है ना। ये आंसर के लिए ये आंसर है पूरा। तो देखो नंबर ऑफ हेड्स जो है इन तीन कंडीशन में ही आएंगे, या तो एक भी हेड नहीं आएगा, या एक आएगा, या दो आएंगे, या तीन आएंगे। ये पूरा डेटा है और यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बस ये फ्रिक्वेंसी ही बतानी है और कुछ नहीं बताना। तो ये काफ़ी आसान है, आपको बस गिनना है जीरो कितने बार आए हैं। देखो एक दो तीन, यहाँ पे चार पाँच छः बार आए, चलो आपने यहाँ छः लिख दिया। अब वन गिन लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ 10 बार आए ये, ठीक है। इसके बाद आप गिन लीजिए टू, टू देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये 9 बार आए। इसके बाद थ्री देख लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव बार आए, ये 5 बार आई। अब टोटल सबको जोड़ लो, वैसे 30 लिखाई है, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीधे सीधे 30 लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐड करोगे तो अभी 30 आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपको बस इतना ही बताना था, इसमें और कुछ बताना ही नहीं है, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं हम।